इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़क निर्माण में खुदाई के दौरान तीन हांडी में 128 प्राचीन तांबे की मुद्राएं मिली हैं और सूचना पर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। आपको बता दें कि मुद्रा सिक्कों के अलावा कुछ मिट्टी के पात्र एवं खंडित प्रतिमाओं के अवशेष भी मिले हैं। सभी को डबल लॉक किया गया है और संरक्षित कर जिला अधिकारी को सौंप दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय को DM द्वारा सूचना दी गई थी। प्रथम दृष्टा में 1500 से 2000 साल पुराने सिक्के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी खुदाई का कार्य रोक दिया गया है। और आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गड़ाकोट गांव से 6 लेन रोड गुजर रही है। कुछ प्राचीन सिक्के मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, जिनको देखने में प्रथम दृष्टया उनके नीले रंग और कटाइना की वजह से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वो तांबे के हैं। SDM साहब के माध्यम से सिक्कों की जो प्राप्त सिक्कों की गिनती कराई गई और लगभग 128 प्राचीन तांबे के सिक्के मिले हैं। हम उनको डबल लॉक में संरक्षित कर देंगे। इसके अलावा कुछ प्राचीन मिट्टी के पात्र मिले हैं, कुछ टूटे हुए पात्र हैं और कुछ प्राचीन प्रतिमाओं के अंश मिले हैं। उन सभी अंश को पुरातत्व की टीम को सौंपा जाएगा। हम पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय से। वहां से टीम आएगी, उसके पश्चात ही वे इन सिक्कों की प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके इनकी सफाई करके बता पाएगी किस काल के सिक्के हैं। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं और बाकी चीजें इनको ढंग से साफ करने के बाद इन पे क्या अंकित है, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है जी, उसके पश्चात ये उचित प्रकार से हम बता पाएंगे किस काल के जी। ये सब जो खुदाई कार्य हो रहा है ये रुक जाएगा? ये खुदाई काल बिल्कुल रोक दिया, तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है जी, क्योंकि इसमें लग रहा है कि ये पुरातत्विक महत्व की स्थान है और यहाँ पे किसी प्राचीन सभ्यता के होने के लिए अवशेष मिले हैं। तो जब तक हमारे पुरातत्व विभाग की टीम आके यहाँ पे प्रॉपर सर्वे करके यदि उनको लगता है कि खुदाई करनी है वो नहीं कर, तब तक यहाँ पे खुदाई वगैरह कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। उसी के पास इस प्रकार के कोई मृद भांड है, मूर्ति के अवशेष स्थल से लिए गए हैं अथवा कोई अन्य सिक्के हैं तो वो उनको स्थानीय थाने अथवा तहसील में जमा करा दें, क्योंकि इनकी वैल्यू रुपयों में पैसों में नहीं आकी जा सकती जी। और दूसरा किसी अत्यंत महत्वपूर्ण किसी महंगी धातु के नहीं है, तांबे के हैं तो पुरातत्व महत्व होने के नाते इस गांव का महत्व अलग बढ़ जाएगा जी। तो मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से जिनके पास इस प्रकार की कोई यहाँ के पुरातत्विक अवशेष कोई अपने घर ले गया है या उसके प्राप्त है, उसको सूचना है, वो इनको कृपया जमा करा दे ताकि हमारे जनपद के और विशेषकर इस गाँव गढ़वा के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में आम जनमानस को जानकारी आगे मिल सके। हो सकता है आगे जब हिस्ट्री किताबें पढ़े या छोटे बच्चे उनमें यहाँ के इन सिक्कों के बारे में कोई वर्णन सिक्कों की गिनती कराई गई और लगभग 128 प्राचीन तांबे के सिक्के मिले हैं। हम उनको डबल लॉक में संरक्षित कर देंगे। इसके अलावा कुछ प्राचीन मिट्टी के पात्र मिले हैं, कुछ टूटे हुए पात्र हैं और कुछ प्राचीन प्रतिमाओं के अंश मिले हैं। उन सभी अंश को पुरातत्व की टीम को सौंपा जाएगा। हम पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व निदेशालय से। वहाँ से टीम आएगी, उसके पश्चात ही वे इन सिक्कों की प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके इनकी सफाई करके बता पाएगी किस काल के सिक्के हैं। प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं और बाकी चीज़ें इनको ढंग से साफ करने के बाद इन पे क्या अंकित है, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है उसके पश्चात ये उचित प्रकार से हम बता पाएंगे किस काल के। ये सर जो खुदाई कार्य हो रहा है ये रुक जाए? ये खुदाई काल बिल्कुल रोक दिया, तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि ये पुरातत्विक महत्व की स्थान है और यहाँ पे किसी प्राचीन सभ्यता के होने के लिए अवशेष मिले हैं। तो जब तक हमारे पुरातत्व विभाग की टीम आके यहाँ पे प्रॉपर सर्वे करके यदि उनको लगता है कि खुदाई करनी है वो नहीं करती, तब तक यहाँ पे खुदाई वगैरह कार्य नहीं किया। साथ में हमने अपील जारी करी है स्थानीय लोगों से, यदि किसी के पास इस प्रकार के कोई मृद भांड है, मूर्ति के अवशेष स्थल से लिए गए हैं अथवा कोई अन्य सिक्के हैं तो वो उनको स्थानीय थाने अथवा तहसील में जमा करा दें, क्योंकि इनकी वैल्यू रुपयों में पैसों में नहीं आकी जा सकती। और दूसरा किसी अत्यंत महत्वपूर्ण किसी महंगी धातु के नहीं हैं, तांबे के हैं तो पुरातत्व महत्व होने के नाते इस गांव का महत्व अलग बढ़ जाएगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से जिनके पास इस प्रकार की कोई यहाँ के पुरातत्विक अवशेष कोई अपने घर ले गया है या उसके प्राप्त हैं, उसको सूचना है, वो इनको कृपया जमा करा दें ताकि हमारे जनपद के और विशेषकर इस गाँव गढ़वा के प्राचीन काल के इतिहास के बारे में आम जनमानस को जानकारी आगे मिल सके। हो सकता है आगे जब हिस्ट्री किताबें पढ़ें या छोटे बच्चे उनमें यहाँ के इन सिक्कों के बारे में कोई वर्णन। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।